चलिए, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पुष्पराजगढ़ से, जहां पर शौच के दौरान एक महिला पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिस पर महिला की मौत होना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंच पाई है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं पुष्पराजगढ़ से, जहां मधुमक्खियों के हमले से महिला की मौत होना बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर पुष्पराजगढ़ से बता रहे हैं हम आपको, जहां पर मधुमक्खियों के हमले से 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई है और चारों तरफ जानकारी के लिए पुष्पराजगढ़ से अनिल दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, शौच के दौरान एक महिला पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है, जिससे उनकी मौत होना बताया जा रहा है, पूरा मामला क्या है ये? देखिए, ये थाना रायमगाम क्षेत्र का मामला है और थाना रायमगाम से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ग्राम पंचायत बसनिया, वहाँ का मामला है। एक महिला 70 वर्षीय महिला है और जिसका नाम फुलरिया बाई बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष के आसपास है। वो नेत्र क्रिया के लिए बाहर गई थी, घर से कुछ ही दूरी थी और वहां पे एक पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था और मधुमक्खियों ने अचानक उस महिला पे हमला कर दिया और हमले के बाद जो है महिला बेहोशी हालत में वहीं पे पड़ी थी। कुछ राहगीरों ने देखा और वहां पे हल्ला मचाया तो घर के लोग वहां से दौड़े और महिला को जाकर कंबल वगैरह उड़ा के फिर किसी कदर बचा के लेके घर आए। जी, तो आपने जैसा कभी बताया कि वहां जो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था तो उन्होंने उनके झुंड ने उन पर हमला कर दिया, तो क्या किसी ने उस छत्ते को छेड़ा था जिसके चलते उन्होंने उन पर हमला कर दिया? छेड़ा नहीं था, ऐसा बताया जा रहा है कि कौवे ने जो है मतलब छत्ते पे जो है चोंच वगैरह मारे हैं तो मधुमक्खी वहां पे अचानक से उड़ गई है। फिर बताई हुई बात है, मधुमक्खी वहां से कैसे उड़ी ये स्पष्ट किसी ने नहीं देख पाया। बहरहाल सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि महिला की मौत हो गई और अभी वर्तमान की स्थिति में भी हॉस्पिटल या और कोई भी संबंधित प्रशासनिक विभाग वहां पे नहीं पहुंच पाया मौके पे। ये बहुत ही मतलब चिंता का विषय है। देख, अभी आपने बताया कि परिजनों ने उन्हें घर लेकर गए थे, वो उन्हें कंबल में उड़ाकर, तो क्या उस वक्त मौत हो चुकी उनका थी? उनका घर जो है पास में है, वहां से महिला को उठा के लेके आए घर पे, तो उस वक्त मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पे है ये घटना। अनिल, हम जानना चाहते हैं कि जिस वक्त हमला किया, क्या उस वक्त मौत हो चुकी थी जब परिजन पहुंचे वहां पर, या फिर बाद में मौत हुई है, कितनी देर बाद मौत हुई? जी, उनके बताए अनुसार जो है घर जब लेके आए हैं तब मौत हुई है उस महिला की। वहां पे बेहोशी हालत में थी, वहां से लाते लाते रास्ते में हुई, घर पहुंचने के बाद हुई। ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन उनका बताना है कि जैसे हम लेके आ रहे थे तो अचानक से और भी बेहोश टाइप से हो गई, मतलब वहां पे मौत हुई। पर डॉक्टर वहां पे अभी भी उपस्थित नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी कोई भी उपस्थित नहीं है, घर के बताए अनुसार ही महिला की मौत हुई है। जी, तो ये जो पूरी घटना घटी है वो किस समय की है?
लगभग 11 बजे के आसपास की है और अभी लगभग 12:43 है। अभी तक जो है, अभी तक की जानकारी में 100 वाहन एम्बुलेंस मतलब लाने की व्यवस्था नहीं है। अगर ले भी गए होंगे अभी की कंडीशन में तो परिजन अपने व्यवस्था से लेके गए होंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़, वहां से कोई भी व्यवस्था उनको नहीं मिल पाई है। तो महिला की मौत जैसे कि घर जाते वक्त हो चुकी थी, तो जो एम्बुलेंस की टीम है उन्हें कब तक सूचना दी गई? मैडम मेरी उनके परिजन से बात हुई थी, मौके पे हम भी गए थे स्पॉट पे, और जब वहां पे गए थे तो उन्होंने बताया कि सर जैसे ही मतलब ये काटने की सूचना मिली घर लेके आए महिला को, तुरंत हमने स्वास्थ्य विभाग को फोन लगाया, जानकारी दी, फिर भी एम्बुलेंस एक्सवाट को लगाया तो बताया कि एम्बुलेंस नहीं है करके, 100 वाहन को लगाए तो वो भी नहीं मिल पाई है। परिजनों की बीमो साहब से बात भी हुई है, उनके बताए अनुसार उन्होंने बोल दिया कि 100 वाहन हमारे पास अभी हाल में उपलब्ध नहीं है, 3-4 दिन से नहीं है, खराब है, बिगड़ी है, कहाँ है, कहाँ गई नहीं मालूम, ऐसा करके उन्होंने उनको जवाब दिया। जी, तो ये तो एक तरीके से कहना चाहिए सरकार की लापरवाही है कि अगर कोई कोई व्यक्ति अगर गंभीर घायल है या फिर कोई बीमार है और उसे एम्बुलेंस की जरूरत है तो वो वक्त पे नहीं पहुंच सकती। देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ हमेशा से सुर्खियों में रहता है और यहाँ की 100 वाहन की हालत आज इस मरीज भर के लिए नहीं है जिनकी मृत्यु अभी हुई है, और भी ऐसे हादसे हो चुके हैं और 100 वाहन जो है हमेशा मौके से नदारद ही रहता है, किसी न किसी चीज का बहाना हमेशा देखा जाता है यहाँ पे। जी जी, तो उससे जुड़े आला अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं क्या, जिस तरह से आज भी ये मामला सामने आया है? देखिए आला अधिकारी अगर कार्रवाई करते, कुल मिला के जिम्मेदार अगर अपनी जिम्मेदारी बखूबी अगर निभाते तो आज जो परेशानी इन परिजनों को भुगतना पड़ रहा है कि एक मृत डेड बॉडी जो है, शव जो है घर में पड़ा हुआ है, उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, ये कंडीशन देखने को हमें नहीं मिलती। जी, तो आपकी परिजनों से बात हुई है, जिस तरह से आपने बताया कि एम्बुलेंस अभी नहीं पहुंच पाया है, परिजनों के द्वारा ही उन्हें लेकर ले जाया गया है, तो क्या परिजनों में कोई किसी तरह का आक्रोश देखा गया? देखिए क्या है, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के लोग थोड़ा सा शांत हैं, ये लोग जो है सिर्फ अधिकारियों से विनती कर सकते हैं, बहुत जल्दी आक्रोशित नहीं होते हैं, ना समझी की वजह से इनके साथ जो है हमेशा मतलब ये अत्याचार ही कहें अपन कि अत्याचार होते रहते हैं और जिम्मेदार आंख कान नाक सब मुंह बंद करके बैठे रहते हैं, तमाशा देखते हैं। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे पुष्पराजगढ़ से, जहां पर शौच के दौरान एक महिला पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और उनके हमला करने के कुछ दौरान परिजन उन्हें घर लेकर गए और रास्ते में घर ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। और पुष्पराजगढ़ की खबर के साथ ही फिलहाल इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।